न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक भी काफी उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक साथ जिला पंचायत एवं जनपद के नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं, जिसमें महिला एवं पुरुष सभी अपना भाग्य आजमाने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते नजर आए। रीवा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए रायपुर करचुरियान क्षेत्र वार्ड क्रमांक 12 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए पर्चा दाखिल करने आए उमेश उपाध्याय बाबा के साथ एक लंबा काफिला देखने को मिला, जो वार्ड क्रमांक 12 से भाटी से चलकर रीवा नामांकन पत्र दाखिल करने आए। जनता जनार्दन से अनुमति लेने के बाद उनके द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है। त्योंथर जनपद पंचायत की निवर्तमान जनपद अध्यक्ष गीता मांझी ने भी जिला पंचायत वार्ड नंबर 21 से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याएं और उनके निराकरण करने की इच्छा जताई है। आइए सुनाते हैं आपको जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा। देखिए, मैं वार्ड क्रमांक 21 से जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया है। अभी इससे पहले मैं जनपद अध्यक्ष थी और इन 7 सालों में मैं जनता के बीच में रही हूँ, तो मेरा जनता के प्रति एक लगाव है। क्योंकि आप, मैं जनता के बीच में जब से जनपद अध्यक्ष चुनी गई, जब से बनी, तो मैं जनता के बीच में हमेशा रही हूँ। और अब जिला हमारी जनपद अध्यक्ष जो था वो आदिवासी के लिए आरक्षित हो गई है और OBC के लिए आरक्षित है हमारा 21 नंबर वार्ड। तो मैंने 21 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। आज क्षेत्र में नंबर 12 से लड़ रहे हैं उमेश उपाध्याय और बाबा जी नाम है। जनता के सहयोग से जिला पंचायत सदस्य का हम अनुसरण करके अभी आ रहे हैं। हम किन मुद्दों को लेकर के अपने क्षेत्र में जाएंगे, क्या अहम मुद्दे हैं आपके? हर तरीके के मुद्दे हैं, रोड नाली सड़क पानी बिजली भ्रष्टाचार महंगाई यही सब है। स्वास्थ्य किस तरीके का भ्रष्टाचार है वहाँ? हर तरीके का भ्रष्टाचार है। जैसे निम्न से लेके उच्च तक है। किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ होगा, किस निर्माण कार्य में हुआ होगा, जैसे कोई भवन होगा? अरे, रोड नाली निर्माण कार्य करते हैं और उसमें सब ऐसे मटेरियल डाल देते हैं कि 10 दिन चले 15 दिन बाद सब पूरा भ्रष्ट हो जाता है। कुछ चलने लगी नहीं व्यवस्था है। कितना समर्थन मिल रहा है क्षेत्र से? समर्थन काफ़ी सारा, सब जनता के ही सहयोग से, सब जनता लड़ी है। मैं नहीं लड़ा हूँ, जनता ने खड़ा किया है और जनता ने बोला है कि आपके सहयोग, आप चलिए आगे रहिए, पीछे पीछे मैं हूँ बस जनता के साथ। कितने समय से राजनीति में? आज राजनीति में 2010 से।